हेलो दोस्तों, आप सभी का वापस से स्वागत है हमारे चैनल पर साइकिल पे। तो आज आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रहा होगा झाड़, पत्तियाँ और टहनियाँ। तो हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इसी से रिलेटेड है। तो जो आप सामने अमेजोन का डब्बा पड़ा हुआ देख रहे हैं, उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट है जो है एक ही पर काम में आ सकता है 10 तरीकों से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक मल्टी फंक्शनल टूल की। तो चलिए जल्दी से हम इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर ऐसा क्या है जो एक अकेला 10 काम कर सकता है। लेट्स स्टार्ट। तो लीजिए, हमारा कैमरा एंगल भी बदल चुका है और इसी के साथ अब आप टॉप व्यू से इसे देख सकते हैं। इसका फ्रंट है ये, जिसमें मेरे डिटेल्स दिए हुए रहेंगे। तो जल्दी जल्दी से हम इसे हटाते हैं और जो हमारा अंदर का जिसका हमें सबसे ज़्यादा काम है उसे निकालते हैं। ये वो चीज़, इसका पूरे काम से फेंक देते हैं हम। अब ये आप देख सकते हैं, एक्सपेंसिव या लग्जरियस तो है नहीं है, कुछ नॉर्मल सा एक दिया है। इसके नीचे आता है ये पनिक में रैप है, इसे भी निकाल लेते हैं जल्दी से। ये पनिक का भी कुछ काम नहीं है और इसका भी कुछ काम नहीं, तो इन दोनों को हम साइड में रख देते हैं। अब आता है ये, इस पर एक लगाया हुआ, इसे भी हम हटा लेते हैं जल्दी से। और ये भी हट चुका है। अब आप इसे देख के क्या बोलेंगे। लेफ़्ट साइड से देखिएगा तो ये आपको एक्स लगेगा, राइट से देखिएगा तो ये आपको हैमर लगेगा, और बीच से फिर दोनों जॉइंट है। इसका मतलब क्या हो गया ना, कंफ्यूज हम भी हुए थे कंफ्यूज। चलिए हम भी बता देते हैं आपको इसमें होगा क्या क्या। मान लीजिए ये जो ऊपर एक एक्स है, राइट साइड में एक हैमर है, नीचे एक स्क्रू ड्राइवर, उसके नीचे एक नाइफ, और ये जो आरी, और ये नेल कटर का पॉलिश, और ये प्लास, ये सब को अगर हम कंबाइन कर दें और साथ में कुछ बना सके तो क्या वो उसका आउटपुट ही ऐसा कुछ निकलेगा। जी हाँ, ये वही है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं इसमें क्या क्या है और किसको कैसे यूज़ करना, और आपको हम ये भी बता देंगे कि कितना अच्छा है ये, कितना काम कर सकता है। हम इससे आपको सब कुछ टेस्ट भी करके दिखा देंगे कि ये कैसे काटता है, ठोंकता है, या स्क्रू ड्राइवर से इसका काम होता है, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे इसी पे। तो चलिए हम जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, ये क्या है, एक एक्स, इधर से ये एक हथौड़ा है, इसे आप ठोंक सकते हैं। और ये जो बीच में ये जो गैप दिया हुआ है, ये गैप किस लिए दिया हुआ होगा ये तो आप भी सोच ही रहे होंगे। सबसे पहले जो बात करें, यहाँ पे टोटल कितने हैं आप भी देख लो, यहाँ पे है 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पे 5 है। और इधर में एक और दिया हुआ है, इसका क्या यूज़ होना, तो ये जो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दिया हुआ है, तो पहले आपको इसे प्रेस करना है, इसे हटा देना है। सबसे पहली बात, हटा दोगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। अब बताइए ऐसे कि आप ठोकोगे तो ये ठुकेगा, मान लो आप ऐसे से हटा के ठोकोगे तो ये ठुकेगा, नहीं ना, ये तो ऐसे करके सट जाएगा ना, तो इससे कम ठुकेगा। तो ये क्या है, ये बीच में ऐसे करके क्या दबाते हैं हम लोग, पाइलर्स। तो ये जो यहाँ पे देख सकते हो, ये पाइलर्स के लिए है, इससे आप वायर कट कर सकते हो। ये आपका एक्स है, ये आपका हथौड़ा है, और बात बाकी जो हम लोगों का बच गया यहाँ पे 5, पहले हम इसे वापस से अटैच कर देते हैं। चलो ये भी हो गया, ये जो 5 बज गए, सबसे पहला फर्स्ट नाइफ, सेकेंड एक आरी, थर्ड स्क्रू ड्राइवर, फोर्थ ये थोड़ा आप लोगों को चकमा दे सकता है ऊपर की साइड, ये रेंच है, नीचे ये बोतल ओपनर है, कैन बोतल का जो ढक्कन था उसको, और एक बड़ा आरी। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 1, और इसमें आपका आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है इसमें। तो चलिए अब हम एक एक करके सबका टेस्ट दे देते हैं आपको। तो गाइस, सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले इसमें नज़र भी आता है हमें हमारा एक्स ही, तो सबसे पहले हम अपने एक्स का ही काम करेंगे। तो जल्दी से इसे करते हैं अटैच, ये हो गया अटैच। अब एक्स है, इसे हम लोग काट के देखेंगे क्या सच में इसमें वो दम है। छोटा एक्स है तो छोटा ही कटे, बहुत है वही।
ये गाइस देख सकते हो आप, इसने ये हाल कर दिया इसका। और तो आपको कुछ प्रूफ चाहिए नहीं, छोटा है तो इतना ही काफ़ी है, यही इनफ है। बहुत बड़ा रहता तो दो बार में कट जाता, ये एक से इतना ही आउटपुट निकल जाए वही काफ़ी हमारे लिए। चलो इसे करते हैं साइड, हट जा साइड, डॉक्टर स्ट्रेंज बन गया मैं तो गाइस। तो गाइस अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड टेस्ट की ओर, जो कि हम हथौड़ा से नहीं करेंगे, जो कि हम करेंगे इस आरी से। जी हाँ गाइस, हथौड़ा के लिए बाद में हम करेंगे, पहले आरी का देख लेते हैं। ये है और एक ये है, तो मुझे ये है, ये आरी काम में आएगा हमारा। ये नहीं, ये आरी सही है, ये आरी से अपना काम हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका कितना काम आता है। ये गाइस अब हम इस आरी का टेस्ट कर ही लेते हैं। तो गाइस आई एम नॉट किडिंग गाइस, सच में ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सच में ये आरी इतना ज़्यादा काम कर सकता है, इतना ज़्यादा काट सकता है, इतना ज़्यादा तेज हो सकता है, ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइस। ये देख सकते हो गाइस आप लोग, इसी से हम लोगों ने इसे काटा है। अब हम आपको थोड़ा डीपली दिखा देते हैं। ये देखो गाइस, सेकेंड टेस्ट में ये पास हो गया, फर्स्ट वाला से मुझे सेकेंड वाला ज़्यादा पसंद आया, आ रही तो इसका अनबिलीवेबल है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टेस्ट की ओर। तो गाइस एक चाकू क्या काटने के काम में आता है, देखिए सिंपली घर में आप सब्जी वगैरह काट सकते हो इससे। गाइस हम आपको सब्जी काट के देते हैं, ताज़ा ताज़ा आप खा लेना इसका घर पर सब्जी। ये देखो गाइस कितना अच्छा से कट रहे हैं। ये तो कट गए, किसी आदमी को उठा के लेता हूँ क्या, उसका हाथ काट के देखूंगा कितना। तो गाइस सब्जी काट दिया, लेकिन वो जस्ट ऐसे जोक काटे थे हम लोग, उससे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये बोतल काट के देखते हैं हम लोग कितना जल्दी कटता है ये बोतल। ऐसे घुसाया, देखो ये घुस गया, ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो, ये भी कट गया गाइस। देखो एक बार में इसे नंगा कर दिया, देखो गाइस कितना जल्दी कट रहा है। ये भी कट गया, ये भी कटा। तो गाइस देख सकते हैं ये है चाकू का पावर, एक बार में पूरा इसे काट के क्या से क्या कर दिया दो सेकंड में। इसे आप सामने से भी बहुत शार्प है, ऐसा गिनने की शार्प नहीं, देखो एक बार में घुस जा रहा है पूरा, इसका छिदड़ी छिदड़ी कर दिया है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये भी पास है। बढ़ते चौथे की ओर, चौथा हम कर लेंगे अपना हैमर। तो चलिए हैमर के लिए हम लोगों ने ये नेल ले लिया है, एक पुराना जमाना का, बाबा आदम जमाना का है। चलिए इसे हम यहाँ पे ही रखते हैं, यहीं पे इसे ठोकते हैं, ये देख सकते हो आप। चलिए गाइस हम यहाँ से इसे आपको ठोक के दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो गाइस पूरा ऑलमोस्ट अंदर जा चुका है, ये देख लो गाइस ये पूरा का पूरा छुमंतर हो गया, ये भी सक्सेसफुल है ये। तो गाइस वो टेस्ट भी सक्सेसफुल रहा था, आप देख चुके थे। तो हम देख लेते हैं हमारे पास और क्या क्या बाकी रह गया। सबसे पहला यहाँ पे एक पाइलर्स बच गया, जिसे हमें आपको अभी वायरिंग वायर काट के दिखाने हैं। और उसके बाद इधर में क्या क्या बाकी रह गया ये भी देख लेते हैं हम। ये हमारा हो चुका था, नहीं सॉरी ये नहीं हुआ था ना, नहीं ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये हो चुका था हमारा, कहाँ गया, ये चाकू हो गया हमारे, हमारा ये आरी हो गया, बाकी रह गया ये स्क्रू ड्राइवर, ये रेंच, बॉटल ओपनर, और एक ये क्या है ये तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। तो इस पट्टी इसका लेकिन नाखून ये करने का है, तो इसको क्या है टेस्ट करना है इसमें, तो ऐसे करके नाखून ही आपको बस ये करना है, तो इसमें कुछ टेस्ट नहीं करना है। ये देख लेते हैं हम लोग ये क्या है, उसके बाद ये तीन वो करके हम लोग जल्दी से आपको सब कुछ रिजल्ट्स देते हैं। तो गाइस वो सब टेस्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया, अब जो उसमें से एक आता है ये स्क्रू ड्राइवर, तो आप इसमें देख सकते हैं इसका हम लोगों ने आपको रिव्यू करके भी रखा हो अपने चैनल पर, आप चाहो तो देख सकते हो अपने चैनल पर हमारा। और इसे यहाँ पर देख सकते हैं हम खोलने का ट्राई करते हैं, इससे खुलता है या नहीं। यस गाइस
आप देख सकते हो ये घूम रहा है, ये खुल रहा है गाइस, ये खुल गया। देखो ये इतना इतना ऊपर आ गया है, देख लो खुल के। अब और भी दिखा देते हैं हम आपको, ऐसे ही इसी एंगल पे दिखा देते ताकि आपको सही से दिख जाए। हम यहाँ से खोलते हैं ऐसे, देखो गाइस ये खुल के बाहर आ रहा है, धीरे धीरे ये खुल के बाहर आ रहा है गाइस। ये खुल गया हमारा, ये भी आप लोगों ने देख लिया, इसमें भी ये सक्सेसफुल रहा। अब जो बाकी रह गया हमारा, वो यहाँ पे एक पाइलर्स बाकी रह गया है, ये ऊपर वाला पाइलर्स है, तब से मैं गलत बता रहा था आपको, और ये जो नीचे वाला है ये वायर कटर है। तो गाइस हमारा जो कुछ बाकी टेस्ट रह गया था उसमें आता है आपका ये जो ऊपर प्लायर्स है ये दिखाना है हमें, नीचे जो वायर कटर है वो दिखाना है, रेंज दिखाना है, इसका बोतल का ढक्कन खोलने वाला दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्प्राइट का बोतल, स्प्राइट पीने का मन किया तो स्प्राइट लेकर आया, तो सोचिए इसी बहाने ये खोल के भी हम लोग दिखा देंगे आपको। तो चलिए जल्दी से इसे खोल के हम लोग दिखा देते, ज़्यादा कुछ नहीं आपको गाइस, इसको ऐसे करके यहाँ रखना है और ऐसे करके एक बार यहाँ से एक बार इधर से, बस ये खुल गया गाइस। तो ये भी इसका सही काम कर गया गाइस। तो चलिए इसे मैं पी लेता हूँ। A few moments later, गाइस अब दूसरे टेस्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे ये जो प्लायर्स हैं इस प्लायर्स का करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कांटी है और हमारे पास प्लायर्स आ चुके हैं। तो जल्दी से ये कांटी भी अच्छा खासा अंदर गया हुआ है, तो इसे हम जल्दी से निकाल लेते हैं और आपको दिखा देते हैं काम करता है या नहीं। ये पकड़ा लिया है, टान लेते हैं हम लोग, और ये कांटी हमारा अंदर से बाहर आ चुका है, ये इतना अंदर घुसा हुआ था ये आप देख सकते हैं। तो ये प्लायर्स भी हमारा सही सलामत निकला, सही काम किया, मतलब सही सलामत नहीं, तो ये भी काम में सफल रहा। अब जो हमारा लास्ट कुछ बचा हुआ है, तो उसमें से एक आता है आपका ये वायर कटर और इसका एक रेंच आता है, वो जो नेल वाला था वो तो हम बोले ही थे वो नहीं करेंगे, तो वायर कटिंग जल्दी से करते हैं। तो गाइस हमारे पास ये वायर है, तो इसे हम जल्दी से इसे काटने का ट्राई करते हैं। पूरा कस के दबा लिया है गाइस, और ये गाइस काम तो नहीं किया है ना, कुछ काम नहीं किया ये गाइस। सेकेंड लास्ट ट्राई में भी कुछ काम नहीं किया, और अब आता है लास्ट ट्राई। ना गाइस इसका बस एक ही जो है जो काम नहीं किया ढंग से वो है इसका वायर कटर, बाद बाकी सब इसका परफेक्टली काम किया है गाइस, परफेक्टली। तो गाइस आप लोगों ने सारे के सारे हमारे जो टेस्ट थे वो देख लिए, और आप हमको बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा इसका अच्छा लगा, एक्स लगा अच्छा या क्या बोलता है वो हैमर अच्छा लगा या पाइलर्स अच्छे लगे या जो आरी था वो अच्छा लगा, कोई भी अच्छा लगा वो आप बता दीजिएगा हमें, तो लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था गाइस वो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था 600 रुपया में, हाँ 600 का है ये, और 600 के हिसाब से वर्थ इट है ये गाइस, आप ले सकते हो इसे आराम से। अगर आप एडवेंचर करना पसंद करते हो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट टूल्स होगा, तो जल्दी से जाओ इसे आप चेकआउट करो, अगर पसंद आए तो आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हो, और हाँ कमेंट में आप बता सकते हो हमें आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब करना तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।